हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बीइंग दिव्या। और यार आप लोग बड़े चलाक हो, बहुत चलाक हो। आप वीडियो पे आए इसलिए क्योंकि आपको टाइटल दिखा है, तो आपको टाइटल तो पता है ही। तो चलो मैं फिर से बता देती हूँ आपको, मैं आई हूँ रोबर्स के, जिसका दूसरा नाम है गुच्चू पानी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ आ गई हूँ और अभी मैं टिकट लूँगी यहाँ से और फिर मैं एंट्री करती हूँ यहाँ पर। तो अभी मैंने टिकट ले ली है और टिकट थी 25 रुपीज़ की, जो कि नॉमिनल है। आई होप उसकी वर्थ हो। यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ यार इसकी वर्थ तो है। बाकी अभी चलते हैं आगे और आपको मैं दिखाती हूँ पूरा। काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे वैसे ये जगह, वाइब्स काफ़ी अच्छी आ रही है मुझे यहाँ से। और रॉबर्ट्स केव के बारे में आपको शायद थोड़ा बहुत पता ही होगा। ये जो आप स्टॉल्स रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं, ये यहाँ के लोकल्स के ही हैं। तो अभी मेरा कुछ मन नहीं है खाने का, तो आते टाइम देखते हैं कुछ खाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ बिल्कुल एंट्री में आपको एक मंदिर दिख रहा है छोटा सा, तो प्रणाम इन्हें। और यहाँ लोगों का फन दिख रहा होगा आपको, कितने सारे लोग आए हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी ठंड है तो लोग आई थिंक कम है यहाँ पे, क्राउड कम है। और अभी फ़िलहाल हम आगे चलेंगे और रॉबर्ट्स केव आपको दिखाऊंगी, केव गुफा। तो मेन जो यहाँ पे है वो गुफा है और उसकी शुरुआत यहाँ से है। आपको पानी में से जाना पड़ेगा, इसका जगह का नाम ही गुच्चू पानी है, तो मतलब आपको पानी के अंदर से ही जाना पड़ेगा। और काफ़ी ठंडा है यार पानी, ठंड में और ठंडा पानी आप समझ सकते हैं। बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और अभी गुफा की तरफ चलते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, आप जब भी यहाँ आओ तो बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहन के आना, और सबसे मेन है यहाँ पे स्लिपर। तो आप जब भी आओ यहाँ पे स्लिपर तो बहुत अच्छे वाले पहन के आना, क्योंकि ये पत्थर हैं यहाँ पे नीचे बहुत सारे। अभी आपको पानी में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे होंगे, पानी का अभी बहाव कम है यहाँ पे, लेवल कम है पानी का, आगे आगे शायद बढ़ जाए। तो आप जब भी आए यहाँ पे तो आपको दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप गर्मी में आ रहे हो तो ठीक है, आप नहा सकते हो यहाँ पे आके इजीली, पानी में भी भीग जाओगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सर्दियों में आप ऐसे कपड़े पहन के आना जिन्हें आप फोल्ड कर सको, कोई भी लोअर जीन्स ऐसी तरह की पहन के आना जिसे आप इजीली फोल्ड कर सकते हो, क्योंकि ठंडा पानी है काफ़ी और पानी में भीग गए तो फिर बीमार हो जाओगे। तो अभी मैंने अपनी जीन्स फोल्ड कर ली है और स्लिपर थैंकफुली मेरी काफ़ी अच्छी हैं, तो मुझे ज़्यादा इन पत्थरों का पता नहीं चल रहा है। बट यहाँ बहुत रिस्की है, वैसे आपको रेंट पे भी मिल जाएंगी यहाँ पे स्लिपर्स, बट मैंने देखा वो कंफर्टेबल नहीं होंगी और यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ चुभेंगी वो। अच्छा गाइज, एक बात बताओ, इस केव का नाम रॉबर्ट्स केव क्यों पड़ा? चलो मैं अपनी नॉलेज वाला बता देती हूँ, और आपको अगर कुछ पता है तो आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले और मुझे भी थोड़ी नॉलेज गेन हो जाए। तो इसका नाम रॉबर्ट्स केव इसलिए हुआ क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में, तो रॉबर्ट्स जितने भी लुटेरे होते थे हमारे देश के, तो उनके पास कोई सेफ़ प्लेस नहीं होती थी। तो आप लोग देख रहे हो दिमाग देख रहे हो, उन्होंने कहाँ जगह ढूंढी है ये। तो ऐसी जगह ढूंढी उन्होंने ये वाली कि यहाँ किसी का ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो अपना जितना भी उन्होंने रॉबरी की होती थी वो यहीं छुपा जाते थे उसको, तो उनके लिए ईजी हो जाता था। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे गुच्चू पानी भी बोलते हैं इसको, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक वाटरफॉल है जिससे काफ़ी अच्छे लेवल का पानी आ रहा है यहाँ पे। अभी तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, बट मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें ये नीज तक आ जाता है, तो इतना पानी है यहाँ पे कि काफ़ी अच्छा लेवल है इसका, तो इसलिए यहाँ पर इसको गुच्चू पानी भी बोला जाता है। तो काफ़ी अच्छी जगह है यार ये। Here we go.
see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. रास्ता है ना, ये एक वाटरफॉल की तरफ जा रहा है जहाँ से ये सारा पानी आ रहा है और जो इस जगह को इतना ब्यूटीफुल बना रहा है, तो मुझे उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है उस वाटरफॉल का देखने के लिए। तो अभी वेट करते हैं, आ जाएगा, कोई नहीं। तो अभी आप जो साइड में वॉल्स देख रहे हैं ना यार, ये लिटरली में इतनी अच्छी हैं, इतनी सुंदर हैं कि इनके साइड से जो पानी आ रहा है ना, तो बहुत अच्छी लग रही हैं ये। और कहीं कहीं तो बिल्कुल धीरे धीरे छोटे छोटे ड्रॉप्स आ रहे हैं पानी के। मैं सच में इस कैमरा में आपको, इस वीडियो में आपको इतना नहीं पता चल रहा होगा जितना मुझे रियल में अच्छी लग रही हैं ये चीज़ें। मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं पर्सनली, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये जगह। आप भी आके देख सकते हैं, आपको भी अच्छी लगेगी। और आई थिंक मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं सामने, शायद आ गया हो, बट नहीं, ये भी एक कर्व है तो अभी नहीं आया है। कोई नहीं, थोड़ा और वेट करते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ एनालाइज की यहाँ पे, कि आपने कभी मूवी देखी होगी हॉलीवुड वगैरह, मोस्टली उनमें ही होता है कि कोई गुफा होती है, उसमें कोई फंस जाता है, ऐसे सिनेरियोज होते हैं। आज मेरे साथ ये रियलिटी में मैं ऐसी गुफा देख रही हूँ कोई, कि किसी गुफा में चल के जा रहे हैं, बट थैंकफुली मैं फंसी नहीं हूँ। और यहाँ पे काफ़ी लाइट है, लोग भी काफ़ी हैं, तो मुझे थोड़ा नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, सेफ फीलिंग है यहाँ पे। शायद मैं अकेले नहीं आ पाती, रात को अकेले कोई भी नहीं आ पाएगा यहाँ पे, क्योंकि डेंजरस सी जगह है। तो अभी एक चीज़ दिखाती हूँ, अरे सामने देखो यार, आई थिंक वाटरफॉल आ गया है। बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे मोस्टली हर एज के लोग आते हैं इस जगह को इंजॉय करने। तो मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा कि आप आ सकते हैं यहाँ पे, इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ और मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ, वो वाटरफॉल दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो आप अभी देखना चाहेंगे क्या, वो वाटरफॉल देखना चाहेंगे? तो दिखा देते हैं यार, चलो देख लो, है ना कितना सुंदर। और ये जो आपको मैं सिनेरियो दिखा रही हूँ ना, ये पत्थरों के बीच से है ये, क्योंकि अभी और ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है, लेकिन ये मेन स्पॉट है यहाँ पे। इसके ऊपर जाने में बहुत प्रॉब्लम है, रास्ता है जाने के लिए, बट मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि काफ़ी टाइम और मुझे थोड़ा सा डेंजरस सा लग रहा है ऊपर ये जाने का रास्ता है। ऊपर एक कैफ़े भी है, बट मैं नहीं जाऊँगी, मेरे लिए यहीं से मुझे अच्छा व्यू लग रहा है। और अभी मैं यहीं से आपको दिखा के, खुद इंजॉय करके, फिर मैं यहाँ से अभी चलती हूँ। चलिए अब चलते हैं वापस, बाहर जाने का रास्ता भी यही है। तो आपको एक चीज़ और बताऊं मैं, तो जब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से रास्ता हमारा ब्रॉड था, लेकिन जब जितना हम वाटरफॉल के पास आते हैं उतना रास्ता नैरो हो जाता है।
तो केव जो है नैरो होती चली जाती है, रास्ते नैरो हो जाते हैं काफ़ी, बट ठीक है अभी ज़्यादा क्राउड नहीं है तो कोई इशू भी नहीं है, इजीली आई और इजीली जाऊंगी। और पानी के फ्लो का बहुत इशू है यहाँ पे, आपको बहुत ध्यान से पैर रखना होता है क्योंकि ये पानी का जो बहाव है ये आपको एक तरह से पुश करता है, बहुत ज़्यादा पुश करता है इनफैक्ट, कि आपको जब आप आ रहे होते हो तो आपको पीछे की तरफ पुश करता है और जब आप जा रहे होते हो तब आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हो। तो अभी मैं चलो बाहर आई गई हूँ, आई होप आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा वीडियो देख के, और जितना हो सका मैंने आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है अपनी तरफ से। अगर आपको कुछ भी और लगता है तो आप एड ऑन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। और अभी फ़िलहाल मैंने गर्मा गर्म चाय और मैगी मंगवाई है क्योंकि ठंड काफ़ी है, अभी मैं ये खाऊंगी। और आपने वीडियो इन्जॉय की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उसके लिए हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बाय।